और ये है व्रत स्पेशल आलू की टिक्की। और ये किस तरीके से बनी है ये आपको आगे वीडियो में ज़रूर दिखे। और वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिए, वीडियो को फुल वॉच कीजिए ताकि जो बीच में हमने जो ट्रिक यूज़ की है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो शुरू करते हैं आलू मूंगफली और तिल की टिक्की बना। और दोस्तों आज की जो हमारी रेसिपी है वो है व्रत स्पेशल। और व्रत स्पेशल में आज हम बना रहे हैं ये आलू हैं, 4 से 5 आलू और 1 बाउल मूंगफली और 2 से 3 चम्मच ये तिल हैं। और नमक का यूज़ हम यहाँ पे सेंधा नमक करेंगे क्योंकि ये व्रत स्पेशल है, तो यहाँ पे हम सेंधा नमक का यूज़ करेंगे। तो शुरू करते हैं आलू की रेसिपी। यहाँ पे लिया हमने एक पैन और पैन हमारा गर्म हो गया। सबसे पहले ये जो हमारे तिल हैं, तिल को हल्का सा रोस्ट करें। और देखिए दोस्तों तिल हमारे अच्छे से ब्राउन हो गए और इनका कलर चेंज हो गया, अच्छे से रोस्ट हो गए। अब इन्हें एक बर्तन में निकाल लें। और अब हम इसी पैन में ये मूंगफली है, मूंगफली को भी अच्छे से रोस्ट कर लें। और यहाँ पे हमने तिल को अच्छे से रोस्ट कर लिया। और अब हमें जो हमारे आलू हैं, आलू को अच्छे से मैश कर लें। और देखिए दोस्तों आलू को हमने अच्छे से मैश कर लिया। ये हमारे घर पे ही, जो हमें घर पे ही आसानी से मिल जाते हैं, जैसे आलू है, मूंगफली है, ये हमारे घर में तो होते ही हैं, तिल वगैरह। तो ये व्रत स्पेशल है तो व्रत में हमें बस घर पर जो हमें आसान तरीके से मिल जाए उस तरीके से बनाना है। और आलू और ये मूंगफली तो हमारे घर में मिलते ही हैं और एकदम आसान तरीके से ये आलू की रेसिपी हम बना सकते हैं। ना ही हमें मार्केट जाने की ज़रूरत है और ना ही मार्केट से हमें कुछ खरीदने की ज़रूरत है, बस घर पर ही हम ये व्रत स्पेशल आलू मूंगफली और तिल की रेसिपी घर पर ही बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। और अब इसी पैन में हम ये जो रिफाइंड है हमारा, और देखिए दोस्तों मूंगफली हमारी अच्छे से रोस्ट हो गई। अब इन्हें जो इनके छिक्कल हैं, छिक्कल को निकाल के और हम इन्हें मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड कर लें। और इनका और देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने तिल और मूंगफली को अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड कर लिया, ना ज़्यादा बारीक और एकदम हल्का सा दरदरा करके। व्रत के लिए हम बना रहे हैं, यहाँ पे व्रत के लिए बना रहे हैं तो हम यहाँ पे बस इस सेंधा नमक है, नमक को इसमें ऐड कर लें। और देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने सिर्फ आलू और मूंगफली और तिल को हमने अच्छे से रोस्ट करके यहाँ पे और मिक्सी में ग्राइंड करके और आलू के साथ में अच्छे से मिक्स कर लिया। और इसमें सिर्फ सेंधा नमक है, ये व्रत के लिए है। इस तरीके से आप चाहें तो इसमें गोल भी बना सकते हैं और आप चाहें तो किसी प्रकार से भी आप इसको सेव दे सकते हैं। और हमने यहाँ पे एकदम जैसे टिक्की बनाते हैं मार्केट में उस तरीके से इस तरीके से सेक दिया, आप चाहें तो इन्हें किसी प्रकार से भी सेव दे सकते हैं। और ऐसे हम सारे जितने भी और बाकी भी इसी तरीके से बनाएंगे। और ये देखिए हमने इस तरीके से जैसे टिक्की बनती है ना मार्केट में, उस तरीके से हमने इनको सेव दिया। और तेल हमारा यहाँ पर गर्म हो गया है एकदम लो फ्लेम में, अच्छे से फ्राई कर लें। और देखिए एक तरफ से हमारे जो टिक्की है हल्के से फ्राई हो गए और इन्हें धीरे धीरे करके उलट पलट करें। और अब इन्हें आराम से इस तरीके से इन्हें इस तरीके से, और दोस्तों हमारी आलू की टिक्की बनके तैयार हो गई है। अब इन्हें धीरे धीरे करके प्लेट में निकाल लें। दोस्तों यहाँ पे हम 2 प्रकार से टिक्की बनाएंगे, एक तो हमने मूंगफली तिल और आलू से बनाए हैं और अब हम इसी में ही ये कुट्टू का आटा है, कुट्टू के आटे को इसमें मिक्स करें, कुट्टू के आटे को भी इसमें मिक्स कर लेंगे। ये व्रत स्पेशल है, नवरात्रि व्रत स्पेशल, तो हम इसे कुट्टू के आटे से भी ये जो हमारे आलू मूंगफली और तिल से जो हमने पेस्ट बनाया था उसको इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इस तरीके से जैसे आटे को हम ये देखिए, और यहाँ पे हमने कुट्टे का आटे को भी आलू मूंगफली और तिल में अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब इनके भी जैसे हमने टिक्की बनाई थी वैसे ही इनके भी हम टिक्की के शेप में ही टिक्की बनाएंगे।
इस तरीके से हमें बाकी को भी हम इसी तरीके से बनाएंगे। और देखिए दोस्त, एकदम मार्केट वाली टिक्की, और हमने ये जो कुट्टू के आटे से बनाई है उनको भी हमने ये टिक्की वाले ही शेप दिया है। आप चाहें तो इन्हें गोल बोंडा की तरह भी बना सकते हैं और एकदम लड्डू की तरह भी बना सकते हैं। एकदम मार्केट में जैसे मार्केट में करते हैं उसी तरीके से इन टिक्की को हम आराम आराम से इस तरीके से उलट पुलट करेंगे। और ये देखिए दोस्तों, हमारी जो टिक्की है वो एकदम से करारी और क्रिस्पी इस तरफ से अच्छे से फ्राई हो गई। और इसी तरीके से हम बाकियों को भी आराम आराम से इस तरीके से उलट पुलट कर लेंगे। और अब इन्हें दूसरी साइड से भी एकदम लो फ्लेम में इन्हें अच्छे से फ्राई होने लगे। और देखिए दोस्तों, टिक्की हमारी बनके हो गई तैयार। और अब इन्हें एक एक करके प्लेट में निकाल लें और इनका जो ऑयल है इसे निकाल लेंगे इस तरीके से, और धीरे धीरे करके इनको इस तरीके से प्लेट में निकाल लें। ये देखिए दोस्तों, एकदम करारे और क्रिस्पी टिक्की बनके हो गई हमारी तैयार। और देखिए दोस्तों, हमारी आलू की टिक्की बनके हो गई तैयार। और ये हैं आलू, मूंगफली और तिल की, और ये हैं कुट्टू के आटे की। ये देखने में जितना अच्छा लग रहा है खाने में भी उतने ही स्वादिष्ट होंगे। ये व्रत स्पेशल है और इसमें सिर्फ आलू, मूंगफली और सेंधा नमक, तिल, कुट्टू के आटे से जो बनी है। आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ दयाल जी के ढाबा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल मत भूलें।